सो लास्ट क्लास हमने प्लॉटिंग का थोड़ा सा पोर्शन करा था. टुडे वील कंप्लीट जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है. सो दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग यू कैन डू. पहला इज अगर आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के वैल्यूज को बता रहे हो, सो यू कैन सिंपली प्लॉट देम. और इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट अ फंक्शन, आप उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट बताते हो, यानी कि आप एक्स, सपोज एक्स 1 से लेके 5 तक आपको एक्स स्क्वायर प्लॉट करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लॉट करना है, वट एवर इट इज, यू गिव द फंक्शन, यू गिव द लोअर एंड द अपर लिमिट. दीज वर द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स विच वी यूज. पार फंक्शन अगर आप लिखोगे अपने हेल्प टैब में तो आपको ये लाइन से सारे फंक्शन मिल जाएंगे. वी हैव डन द लाइन्स फंक्शन. सिमिलर टू लाइन्स फंक्शन वी हैव पॉइंट्स फंक्शन. यानी कि अगर आपको एक प्लॉट के ऊपर एक लाइन या पॉइंट प्लॉट सुपर इम्पोज करना है, फॉर दैट वी यूज द लाइन्स और द पॉइंट्स फंक्शन. वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द लेजेंड कैसे यूज करते हैं. दिस टेक्स्ट फंक्शन इज बेसिकली अगर आपको पूरे अपने ग्राफ में कहीं टेक्स्ट डालना है, सो यू विल फर्स्ट हैव टू स्पेसिफाई द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट. सो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली, एंड वहां पे आपको कौन सा टेक्स्ट डालना है. ठीक है, सो इन फर्दर क्लासेस व्हेन वी डू एनालिसिस या फिर आज के क्लास में हम ये वाला देख लेंगे पॉइंट. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज योर हिस्ट हिस्ट फंक्शन व्हिच इज बेसिकली टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. ओके, सो टुडे आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग वन न्यू फंक्शन विच यू लर्न फर्दर एज वेल. वी यूज दिस अलॉट. मैं खाली इसका बेसिक आप लोग को बताऊंगी अभी, क्योंकि इसका पूरा जो बिल्टअप है वो बाद में है. सो देर इज अ फंक्शन कॉल्ड आर यूनिफ. सो वॉट इज दिस आर यूनिफ? यूनिफ इज अ वर्ड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. वॉट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? अगर मैं बोलू यूनिफॉर्म 0,10, इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच में कोई भी कंटिन्यूअस नंबर, यानी कि कोई भी नंबर 0, 0.1, 0.001, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 10 आई कैन टेक आउट. एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हर एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी इज यूनिफॉर्म. लाइक अगर मैं बोलूँ 0 का क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.01 का, 0.001 का, ये सारे नंबर्स का द प्रोबेबिलिटी इज सेम. सो दैट इज योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? अब अगर आपको कोई रैंडमली नंबर्स चाहिए फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन आर यूनिफ. ठीक है, आर इज फॉर रैंडम, यूनिफ इज फॉर यूनिफॉर्म. सो अगर हम इसको आर यूनिफ इधर लिखें, तो यहाँ पे और भी सारे फंक्शंस है, नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट नाउ. ये आपका आर यूनिफ है. नाउ एन इज बेसिकली आपको कितने रैंडम नंबर्स चाहिए. रैंडम क्यों? कुछ भी आ सकते हैं, इट कैन बी एनी नंबर, सो इट्स रैंडम. मिनिमम एंड मैक्सिमम, सो यहाँ पे जैसे मिनिमम मैंने 0 दिया, 10 मेरा मैक्सिमम है. सिमिलरली आपको जो भी मैक्सिमम दे रहा है, बाय डिफॉल्ट द मैक्सिमम इज 0, बाय डिफॉल्ट द मिनिमम इज 1, 0 एंड मैक्सिमम इज 1. सो बेसिकली इट्स यूनिफॉर्म 0,1, यानी कि 0,1 से कोई भी नंबर रैंडमली एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको आर यूनिफ यूज करना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. यहाँ पे आर यूनिफ, सपोज मुझे 10 वैल्यूज चाहिए, या फिर सपोज मुझे 100 वैल्यूज चाहिए, 100 वैल्यूज चाहिए फ्रॉम 0,10 डिस्ट्रीब्यूशन. सो इफ आई रन दिस, देखो क्या हुआ, 100 वैल्यूज फ्रॉम 0,10. तो अब आप देखो 100 रैंडम वैल्यूज आ गए. नाउ व्हाट आई विल गेट एंड व्हाट यू विल गेट विल नॉट बी द सेम. हमारा और आपका आंसर सेम नहीं आएगा. क्यों सेम नहीं आएगा? बिकॉज ये सारे रैंडम नंबर्स है, कैन हैव एनी. एंड इफ आई रन दिस अगेन, इनफैक्ट इफ आई रन दिस अगेन, हमारा सेम स्टिल, देखो ये हमारा 8 पॉइंट समथिंग है, लास्ट वाला हमारा 3 पॉइंट समथिंग. सो इट विल नेवर बी द सेम. टू कीप द रैंडम नंबर्स सेम, हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज सेट डॉट सीड. सेट डॉट सीड, वॉट इज द सेट डॉट सीड? दिस इज बेसिकली अ सीड वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू, और यू कैन नॉट से एज अ इनिशियल वैल्यू, बट यू कैन से इट इज अ सीड वैल्यू और नंबर विच यू मेंशन. अगर आप ये सीड वैल्यू आपका सेम होता है तो आपका जो आउटपुट है वो भी सेम आएगा. नॉट दिस सीड वैल्यू, इसके अंदर अपने एक सीड डालते हैं, यानी कि एक नंबर डालते हैं. दिस कैन बी एनी इंटीजर, एनी इंटीजर. सो लेट मी कीप इट एज 100 और लेट मी कीप इट एज
1900, whatever, you can keep any number. ठीक है, दस सीड वैल्यू कैन बी जीरो से लेके, नेगेटिव मत करना, जीरो से लेके कोई भी नंबर, ये अगर आप स्पेसिफाई कर दो, यानी कि एक इनिशियल स्टेट आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसके बाद अगर आप कोई भी रैंडम फंक्शन रन करोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. नाउ देयर इज वन मोर कैच यहाँ पे, कि अगर आपका वर्जन अलग है, सपोज आई एम यूजिंग वर्जन 4. समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, एंड इफ यू आर यूजिंग सम पुराना वाला वर्जन, मे बी 3. समथिंग, तो हमारा और आपका आंसर मैच नहीं होगा. क्यों? देयर इज अ वर्जन मिसमैच, वर्जन गैप है. इफ द वर्जन इज सेम, देन द आंसर्स विल मैच. ठीक है, तो आप लोग रन करके देख सकते हो. आई एम यूजिंग सेट डॉट सी 1900. सबसे पहले इसको रन करना होता है, एंड देन वी यूज दिस रैंडम फंक्शन वाला, जो हमारा फंक्शन है. तो यहाँ पे नाउ यू कैन सी माई वैल्यू इज दिस. If I run this again, still I will get the same values again and again. Yes, Devansh. मैम, सीड मतलब सीड के अंदर कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, बट कौन सी डालनी है उसके लिए मतलब कोई मेजर नहीं होगा. जनरली इट इज स्पेसिफाइड कि आपको कौन सी वैल्यू डालनी है क्वेश्चन में, या फिर अगर आप कुछ अलग से वैसे कर रहे हो. अदरवाइज इफ नथिंग इज मेंशनड, आप खुद से डाल सकते हो. व्हाट इज द यूज कि आप खुद से डाल रहे हो, मीनिंग इज कि आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. व्हाट इफ कि मैंने इसको रन करा एंड हर बार मेरा आंसर अलग आ रहा है, मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द आंसर विल चेंज एवरी टाइम. सो एज टू कीप द इंटरप्रिटेशन सेम, सपोज आई हैव रिटन द एंटायर कोड, मैंने उसके हिसाब से जो भी मेरा रैंडम नंबर्स आया एक इंटरप्रिटेशन बनाया, मैंने ये फाइल सेव करके भेजा अक्षत को. अब अक्षत जब रन कर रहा है तो उसका आर यूनिफ का वैल्यूज कुछ और आ रहे हैं, तो वो देख रहा है कि मैंने इंटरप्रिटेशन तो कुछ और डाले, वैल्यूज कुछ और आ रहे, तो वो समझेगा कि मुझे कुछ आता नहीं. बट अगर अपने सीड वैल्यू डाल के रन करेंगे, सो आई विल गेट दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑलवेज इन फ्यूचर एज वेल, तो उससे वो इंटरप्रिटेशन वाला चीज सही हो जाता है. और मैम, अगर 1900 की जगह पे 1800 डाला होता तो कोई डिफरेंस होता? हाँ, थोड़ा ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं. वही मैं बोल रही हूँ, हर सीड वैल्यू का अलग आंसर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. तो मैम मतलब ऐसे कोई कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज करना और ये सब कुछ नहीं. इट्स जस्ट अ सीड वैल्यू, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट आप दे रहे हो, या फिर आप एक इनिशियल स्टेट बता रहे हो. 187 लिखोगे तो एक सेट ऑफ रैंडम नंबर्स आएगा, कुछ और नंबर लिखोगे तो एक सेट ऑफ. इट डज नॉट मीन कि आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करोगे, देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिलेशन. इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर. ठीक है, तो ये मेरा सारा वैल्यूज आ रहे हैं. नाउ मैम, हाँ मैम, बेसिकली वी आर गिविंग दैट नंबर अ सेट ऑफ रैंडम सैंपल्स. यस, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट, बट इट्स अ, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को ये दिखा देती हूँ. सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सेट डॉट सीड में इट इज रिकमेंडेड वे टू स्पेसिफाई द सीड्स, एंड व्हाट आर दीज सीड्स, दीज आर अ स्टेट यू कैन से. जब आप रैंडम नंबर जेनरेट करते हो, सो इट्स अ स्टेट कि अगर आप ये एक पर्टिकुलर नंबर डालोगे, इट्स अ स्टेट कि आपका वो नंबर्स जो रैंडम होगा वो सेम आएगा. सो इट्स नॉट दैट यू आर एक नंबर में यू आर स्पेसिफाइंग सर्टन वैल्यूज, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि वो एक स्टेट है जहाँ पे योर रैंडम नंबर्स विल बी सेम. अगेन इसका जो थोड़ा टेक्निकल चीज है वो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगी एट दिस पॉइंट, बिकॉज आप लोगों को वो चीज आता नहीं है. बट मे बी इट्स लाइक यू कैन कंसिडर इट टू बी अ स्टेट, इट्स अ इंटीजर वेक्टर जहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज हैं जो हमेशा सेम आएंगे. सो इट कैन बी सेव्ड एंड रिस्टोर्ड, and it will be not altered next time when you run it. Clear it? So it's a state जहाँ पे आपका random values will always be same. ठीक है? Okay. So moving on, you need to just understand कि आप जब random numbers निकालते हो, these random numbers can be anything. So it's not comparable. To make it comparable, हम लोग एक सीड वैल्यू, एक स्टेट लेते हैं,
ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके बाद जो आप रन करोगे ऑल योर रैंडम नंबर्स विल बी सेम फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल इफ आवर वर्जन आर सेम. ठीक है ओके. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग अब एक प्लॉट बनाते हैं हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम प्लॉट इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू मेंशन सपोज यहाँ पे हिस्ट फंक्शन लिखा, यहाँ पे हिस्ट फंक्शन लिखा, इसमें आपने पहले मेंशन करा x विच इज ऑल द वैल्यूज विच यू हैव टू प्लॉट. व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम में आप x एक्सिस पे सारा वैल्यूज डालते हो एंड y एक्सिस पे क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी. याद है जीरो, सपोज जीरो का क्या फ्रीक्वेंसी है, वन का क्या फ्रीक्वेंसी, टू का क्या फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन. यहाँ पे वी हैव कंटिन्यूअस नंबर्स जीरो से टेन के बीच में, तो हम लोग वैसे करके डिवाइड कर सकते हैं. सो नाउ लेट मी जस्ट पुट दिस r यूनिट इन वन वैल्यू में भी x आप किसी में भी डाल सकते हो. सो वी विल राइट सिंपली हिस्ट एंड आई विल राइट x, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं लिख रहे एंड इसको रन कर रहे एंड यू आर गेटिंग दिस हिस्टोग्राम. यू कैन अगेन पास ऑल ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स लाइक नेम टू चेंज द टाइटल, वाई लैब, एक्स लैब, एल ए एस, सब कुछ, कलर, सब कुछ पास कर सकते हो जो हमने सीखा है अभी तक इन ऑर्डर टू चेंज द looking of your graph. ठीक है. Now the another thing which is specific to histogram is these breaks. ये आप लोगों को दिख रहे हैं, this is maybe 0 to 1, this is 1 to 2, this is 2 to 3. ये जो boxes हैं इनका जो gap है, इनका जो ये जो gap है, width है, this is 1 1 का by default. Now if you want to change the break, उसके लिए हम एक function pass करते हैं, argument pass करते हैं break. बाई डिफॉल्ट अपने से ये खुद से जो भी हार को रीजनेबल लगता है ये क्रिएट हो जाता है, आ जाता है. द ब्रेक इज ऑफ वन यहाँ पे. इफ यू वॉन्ट टू स्पेसिफाई यू कैन स्पेसिफाई इट इन दिस वे. तो आपको ब्रेक्स में जनरली क्या डालना पड़ता है? ब्रेक पॉइंट्स, कि आपको कहाँ कहाँ पे अपना ब्रेक पॉइंट्स देना है. यहाँ पे क्या है, 1, 3, 0, 1, 2, दीज आर द ब्रेक पॉइंट्स. तो हम ब्रेक पॉइंट्स कैसे स्पेसिफाई करेंगे, देखो. ब्रेक, अब सपोज रुको, सपोज मेरे को यहाँ पे नाउ मुझे सपोज 0 से 10, नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द मिनिमम एंड द मैक्सिमम. सो वी यूज अ सीक्वेंस फंक्शन जनरली ब्रेक्स डालने के लिए. हम दे रहे हैं 0 से 10 एंड द ब्रेक पॉइंट्स जहाँ पे आना चाहिए बाय डिफॉल्ट वो 1 में आ रहे हैं. लेट्स मेक इट 0.5. क्लियर? ये सीक्वेंस फंक्शन आई होप सबको याद है. 0 से 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन. क्लियर है कैसे चेंज हुआ? एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी, मतलब 0 से 0.5 के बीच में देर आर टू वैल्यूज, 0.5 से 1 तक देर आर फोर वैल्यूज, फिर 1 से 1.5 तक देर आर अगेन टू वैल्यूज एंड सो ऑन. क्लियर है कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ठीक है, आप लोग कलर देना चाहते हो यू कैन गिव अ कलर. लेट्स गिव अ कलर ब्लू. दिस इज हाउ यू विल डील विद दिस. क्लियर है सबको ये वाला चीज? अभी एक बार थम्स अप दे दो जल्दी से. आर यूनिफ, सीड वैल्यूज, हिस्ट फंक्शन, वेरी गुड. सो विद दिस वी कंप्लीट द प्लॉटिंग. प्लॉट फंक्शन सीखा हमने, lines function, hist function, these are the main and legend. Now as we move ahead, हम लोग बहुत सारे plotting के sums करेंगे, तो आप लोग का वो धीरे धीरे करके आप लोग उसमें अच्छे होते जाओगे. At this point, obviously, if I ask you to create a plot, you will not be able to खुद से, but after some time, you will. So moving to the next thing, which are these basic things which we learn now, and then we'll move to looping. So, यहाँ पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेट्स. देर इज अ फंक्शन कॉल एज डॉट डेट एंड ऑल ऑफ दीज विच विल नॉट डू एट दिस पॉइंट, आगे जाके करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अलग पैकेजेस चाहिए जो अभी हम इस पॉइंट पे नहीं सीखेंगे. वी विल जस्ट अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल वे ऑफ डीलिंग विद डेट्स. दिस इज जो बेसिक वे विच वी लर्न.
मूविंग अहेड हम लोग देखेंगे देर आर अ फ्यू पैकेजेस जो यूज होते हैं फॉर स्पेसिफिकली डीलिंग विद डेट्स. सो इट इज सफिशियंटली एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन टू कंसिडर. नाउ ईच कैलेंडर ईयर हैज 12 मंथ्स एंड हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दैट दीज 12 मंथ्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच हैज 30 डेज. लाइक जनवरी विल हैव 30 डेज, फेब विल हैव 30 डेज, मार्च विल हैव 30 डेज एंड सो ऑन. अगेन this is the very basic way of storing dates into R. There is another sophisticated method using a particular package jo hum log is point pe nahi sikhenge, aage jaake sikhenge. Now to store any date, what is the format? This is the format. Year, suppose I want to store today's date or maybe chalo yahan pe maine as an example le rakha hai Christmas and New Year. Christmas kab aata hai? 25th December 2021 suppose this year ka dekhen. तो कैसे स्टोर करोगे? पहले आप ईयर बताओगे विच इज 2021 प्लस मंथ माइनस वन. व्हाट इज मंथ? 12th मंथ है ना, तो 12 माइनस वन देन डिवाइड बाय 12 प्लस डे इज 25 माइनस वन डिवाइड बाय 360. देयर इज दिस 360 कमिंग फ्रॉम, मैंने क्या लिया 12 मंथ्स है, हर मंथ का कितना लेंथ है 30 डेज, सो 12 इंटू 30 360. ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट होगा टू सेव अ पर्टिकुलर डेट. एक डेट सेव करके देखते हैं एंड लेट्स वर्क अप ऑन इट. बट दिस इज नॉट अ मेथड व्हिच यू विल यूज. लाइक आप लोग इसको काफी बार यूज करोगे बट यू विल सी कि एट फ्यूचर सम पॉइंट हमें कुछ सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं जो यूज करने पड़ेंगे. लाइक वी हैव टू डाउनलोड अ फ्यू पैकेजेस. पोस्टेड पैकेज होता है जो हम लोग करेंगे बट आगे जाके करेंगे वो सारे पैकेजेस अभी नहीं. ठीक है, तो लोग खुद से एक बार ये फॉर्मूला देख के जस्ट ट्राई टू राइट डाउन, ये वाला फॉर्मूला देख के ट्राई टू राइट डाउन योर बर्थडेज. यू कैन ट्राई टू राइट डाउन योर बर्थडेज ईयर प्लस मंथ माइनस वन डिवाइड बाय 12 प्लस डे माइनस वन डिवाइड बाय 360. एक बार ट्राई करो जल्दी से सब लोग. ठीक है, तो आई विल राइट फॉर एक्समस क्रिसमस ईयर 2021 प्लस द मंथ विच इज 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 12 प्लस द डेट विच इज 25 माइनस 1 था ना माइनस 1 डिवाइड बाय 360. ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिसमस. लेट मी राइट डाउन माय बर्थडे एज वेल. 2021 plus 9 minus 1 divided by 12 plus we have 15 minus 1 divided by 360. I hope sabne likh liya right. So now let us check ke kaisa dikhta hai ye Xmas and my birthday. So we have 221 point something. Now ये point something क्यों आ रहा है समझो. आपका जो पूरा year है 2021 का, ये start होगा 2021.0 से और end होगा 2021.999 से. Why? Where is this 999? Where is this coming from? मैं इसको पूरे को एक बार लेती हूँ. Let us calculate for 31st December 2021. So 31st December will be this 31, right? So because it is 2021.999, it has just changed to what? 2022. Clear है? Clear है? अगर हम first day निकालने का कोशिश करें, first day of the year, यहाँ पे हमें डालना है 1, so ये तो पूरा ऐसे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें डालना है 1, ये भी 0 हो जाएगा, so we'll get 2021.
ये चीज कैसे डेट स्टोर होते हैं, सो इट गोज फ्रॉम 2021.000 टू 2021.999, एंड बाकी बीच के जो है वो ऐसे आते हैं. सो ऑब्वियसली माई बर्थडे इज इन सेप्टेम्बर, इट इज 0.706. समवेयर अगर आप जून जुलाई का निकालोगे तो 0.5 के अराउंड आएगा बिकॉज इट्स मिडवे, एंड दिस इज एक्समस विच इज 0.983. थियोरी ये चीज सबको कैसे डेट स्टोर करते हैं. नाउ एक फंक्शन है विच यू कैन यूज आई एम श्योर, सिस डॉट डेट. दिस इज टू गेट द करंट डेट, आज का डेट. नाउ अगेन दिस इज समथिंग विच वी यूज, एज आई सेड, दिस इज अ सिस्टमैटिक, दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ डूइंग इट, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, नॉट नाउ. ठीक है, अगर इसका आप क्लास चेक करोगे, इसका आप क्लास चेक करोगे सिस डेट का, सिस डेट है सिस्टम डेट, आपके लैपटॉप पीसी का अभी क्या डेट है वो इधर आ जाते हैं, सिस डेट. सो इट्स अ डेट, द क्लास इज डेट. पर अगर आप इसका क्लास देखोगे, सो यू विल नॉट गेट इट एज डेट, यू विल गेट इट एज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक. बट वाई आर वी डूइंग दिस, दिस दीज मेथड्स आर यूज्ड समवेयर इन फ्यूचर जो हम लोग करेंगे, इसीलिए हमने अभी समझा है इसको, कि डेट्स ऐसे भी आप लिख सकते हो. आप पूरे साल को 0.0 से लेके 0.999 तक कर सकते हो उसमें डिवाइड, एंड उसका फॉर्मूला विल बी दिस. बट इसका क्लास इज नॉट अ डेट, सो इट्स नॉट, यू हैव नॉट, आर हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड दिस एज अ डेट, दिस इज व्हाट यू हैव डन, राइट. क्योंकि ये कभी कभी जैसे टाइम सीरीज एंड ऑल में यूज आता है, ऐसे हम डेट्स को स्टोर करते हैं, तो इसीलिए हमने ये सीखा है अभी. बट हम लोग व्हेन वी डील विद द एक्चुअल आर प्रोग्रामिंग, इट्स इन दिस फॉर्मेट विच इज योर डेट फॉर्मेट. एंड इसका और भी पैकेजेस है, POSIX CT एंड POSIX पैकेजेस है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. नॉट अ, इज इट क्लियर डीलिंग विद डेट्स, इज इट क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे यस लिख दो चैट बॉक्स में. Okay. So let's move ahead and let's move into looping actually. Great. चलो तो अब हम लोग लूपिंग सीखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, हर जगह यूज आने वाला है, एंड काफी बारी आप लोग का यूज आने वाला है, स्पेशली फॉर लूप. फॉर लूप इज समथिंग जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे. हम लोग एक्चुअली तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप करेंगे. सो बेसिकली फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू वी यूज लूपिंग. सो इफ स्टेटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो आई हैव जस्ट एडेड दिस टू द टेबल, बट वी डोंट हैव टू डू दिस. हम लोग ये पहला तीन करेंगे. सो लूपिंग क्या होता है? लूप हम लोग बोलते हैं ना, हमने अपने सॉन्ग को लूप में चला दिया, कोई एक सॉन्ग हमारा बहुत फेवरेट है लूप में चला दिए, तो उसका मतलब क्या है? कि वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, अनलेस एंड अंटिल यू स्टॉप इट. अनलेस एंड अंटिल या आइदर यू स्टॉप इट बाय योरसेल्फ और यू हैव पुट इट इनटू लूप, सपोज 10 times के लिए आपको उसको रन कराना है. सो इट्स अ लूप इज समथिंग विच यू हैव अ ऑपरेशन, अ टास्क विच यू हैव टू परफॉर्म मे बी कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 1 time. ठीक है, नाउ वी हैव different types of loop. मैंने यहाँ पे तीन type लिया है, तीन, these are the main three types actually. इसमें से सबसे important and सबसे major is for loop, जो काफी बारी आप लोग use करोगे future में, like 90% of the times you will use for loop. So let us understand, it's very important कि आप इन तीनों का difference समझो, otherwise क्या होता है कि हम confused हो जाते हैं. So we'll start with the while loop. While loop में क्या होता है? देखो इसका structure. While first bracket में you give the logical expression, logical expression का output कैसे आता है? True false, ठीक है? And then you give the body of the loop. Body of the loop में आप बोलते हो कि आपको क्या task, क्या फिर क्या operation आपको perform करना है, ठीक है? So
इसमें अब क्या होता है, अंटिल अब हम लोग को बताना है कि लूप कब स्टॉप कब होगा, ऑब्वियसली लूप को कब स्टॉप करना है आपको बताना है. तो अनलेस एंड अंटिल आपका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपका बॉडी ऑफ द लूप विल रन. ठीक है, जब तक आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन, हम क्या बोलते हैं, वी प्ले द सॉन्ग इन लूप जब तक हम उससे बोर नहीं होते. व्हाट इज द कंडीशन, आप बोर हो रहे हो कि नहीं. अगर आप बोर हो रहे हो तो आपका लूप विल स्टॉप. अगर आप बोर नहीं हो रहे आपका लूप कंटिन्यू होते रहेगा. इट्स समवॉट लाइक दैट कि आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन जब तक ट्रू है तब तक ये बॉडी ऑफ द लूप चलते रहेगा. जैसे ये फॉल्स हुआ ये स्टॉप हो जाएगा. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो व्हेन वी डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन, मुझे अभी से नहीं पता स्टार्टिंग से कि कितना बार ही लूप को रन कराना है. मुझे अभी से नहीं पता कि कितने बार मैं इस सॉन्ग को सुनूंगी तब जाके आई विल गेट बोर्ड. बट आई विल नो दैट एट सम पॉइंट आई विल गेट बोर्ड एंड आई विल स्टॉप द लूप. सो व्हेन यू डू नॉट नो एक्चुअली कि कितने बारी आपको लूप को रन करना है, इन दोज केसेस वी यूज द व्हाइल लूप. इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट. इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाइल लूप. क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कब फॉर लूप यूज करते हैं कब व्हाइल लूप यूज करते हैं. एंड लूपिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लूपिंग इज ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम. तो अगर आप आर में लूपिंग सीख रहे हो आप उसको अगर सपोज वीबीए में मोर और लेस सेम. वापस से मैं क्या एक्सप्लेन करूं अक्षत, आई हैव एक्सप्लेन बहुत सारा चीज. सो आई विल जस्ट गिव यू अगेन जस्ट द बेसिक लाइन बिकॉज मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ लेके बताया. जब तक आपका ये लॉजिकल, अभी हम लोग करेंगे तो आपको क्लियर होगा एग्जांपल और. जब तक आपका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है, ट्रू लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है. तो जब तक आपका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक आपका ये बॉडी ऑफ द लूप चलते रहेगा. ठीक है, इफ इट इज नॉट ट्रू दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. सो आ जाते हैं अब हम लोग आर में एंड वील राइट अ वेरी फर्स्ट लूप. ठीक है, तो हम अभी डील करेंगे फाइल. हाँ देखो, सो मैंने लिखा फाइल. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन. लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने दे दिया ट्रू. लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स होते हैं. लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर दैन लेस देन जो करते थे, मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख दिया. यानी कि हर बार ये ट्रू रहेगा एंड देन वी यूज दिस सेकंड ब्रैकेट्स, इसमें वी गिव द बॉडी ऑफ द लूप. तो मैं लिखूंगी सपोज मुझे चाहिए प्रिंट हेलो. देखना क्या होगा, ट्राई, डोंट ट्राई दिस ऑन योर ओन, अभी रुक जाओ, ट्राई मत करना. लेट मी जस्ट शो इट टू योर फर्स्ट. Can you see this red color ka sign yahan pe? This happens when your function is going on and it's never ending. Dekh lo, hello, hello, aaye ja rahe. It's not stopping. Abhi bhi ye chalte ja rahe. Dekho, chalte ja rahe, chalte ja rahe. Kyunki aapka ye jo expression hai, ye true likh diya aapne. And ye hamesha ke liye true hai. Ye kabhi false hoega hi nahi. To ye chalte rahega. To isko rokne ke liye, obviously hume rokna padega apne loop ko. We click on escape button twice. तो एस्केप बटन है ना, उसको दो बार प्रेस करो, आपका ये लूप टूट जाएगा. सो दिस इज अ इनफाइनाइट लूप व्हिच आई क्रिएटेड. हाउ इज दिस इनफाइनाइट, क्योंकि आपका जो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये हमेशा के लिए ट्रू है, ये फॉल्स कभी जाएगा ही नहीं, तो आपका ये रुकेगा ही नहीं. बस देखना कितना सारा हलोज आ गया, देख लो. Clear, this is just a very basic loop structure which I have given you. Clear? Okay. Moving to the next example, very interesting again. Suppose मैं count में डाल देती हूँ one. These are generally known as counter variables. क्यों बोलते हैं counter variables? Variables अभी आएंगे.
उसमें सबको मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? एट एनी पॉइंट जब आई वॉज एक्सप्लेनिंग व्हाइल लूप, क्या मेरा वॉइस कट हुआ था? किस पॉइंट पे? कैन यू जस्ट टेल मी? कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताना. व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस व्हाइल लूप, क्या मेरा वॉइस कट हुआ था बीच में? एंडिंग का एक दो सेंटेंस कट हुआ था. सो ये जो मैंने एक पैरेलल ड्रॉ कराया था कि सपोज आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग इन लूप, तो जब आई विल गेट बोर्ड आई विल स्टॉप इट, अदरवाइज आई विल नॉट स्टॉप इट, ये वाला चीज. तो यहाँ पे सेम थिंग है, व्हेन दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू, तब तक आपका ये बॉडी ऑफ द लूप चलते रहेगा, अदरवाइज इट विल स्टॉप. क्लियर? ये वाला चीज है. देन द सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको नहीं पता कितने बारी आपको अपना लूप रन करना है शुरू में, तो हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं. हमें जस्ट पता है कि जब मैं एक सॉन्ग सुनती हूँ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो कि मैं कितने बार उसको लूप में सुनूंगी एंड फिर जाके मैं बोर हो जाऊंगी. दिस आई डोंट नो. सो वॉट आई डू इज आई कीप ऑन लिसनिंग टू इट इन अ लूप, एंड द मोमेंट आई गेट बोर्ड आई विल स्टॉप इट, राइट? So I do not know exactly how many number of times I will have to listen or how many times I have to go through the entire loop. Is it clear now? कब अपने while loop use करते हैं? Okay. So ये मेरा हो गया count one. अब देखना मैं क्या यहाँ पे एक equation एक function बनाती हूँ. While count is less than 12, body of the loop देखना क्या है. Print काउंट कुछ मत करना मेरे साथ साथ, बस मेरे को देखो इसमें मैं क्या करती हूँ. काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, समझो इस पूरे चीज को समझो. सबसे पहले तो मैंने ये कोलन क्यों दिया है? जब आप लोग एक लाइन में दो अलग फंक्शन लिखते हो एंड इट्स नॉट सेपरेटेड थ्रू ब्रैकेट्स और वट एवर, तो आप एक कोलन दे सकते हो, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग. अब होगा क्या, काउंट का वैल्यू अभी हमने क्या ले लिया है, वन. तो काउंट का वैल्यू अभी वन है. पहले ये कंडीशन चेक होगा, इज दिस कंडीशन ट्रू व्हेन द फर्स्ट टाइम लूप इज रनिंग? यस. व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू क्या हो जाएगा? प्रिंट काउंट. तो क्या प्रिंट होगा अक्षर, जल्दी से बताओ क्या प्रिंट होगा? आवाज नहीं आ रही मुझे. वन प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा. तो वन प्रिंट हुआ एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज काउंट में, काउंट हम सेम वेरिएबल ले रहे हैं, काउंट में हम वन ऐड करें. मतलब अभी हमारा काउंट का वैल्यू इज वन, उसमें हम एक और वन ऐड करें, तो अभी नेक्स्ट हमारा काउंट का वैल्यू क्या हो गया? टू. तो जब आप ये लूप वापस से अब रन करेगा, वापस इधर आएगा, ठीक है, ये हो गया, वापस इधर आया तो वापस देखेगा टू इज लेस देन ट्वेल्व, टू इज लेस देन ट्वेल्व, तो वापस से प्रिंट काउंट मतलब टू प्रिंट होगा एंड वापस उसमें वन ऐड हो जाएगा. थ्री, फिर थ्री प्रिंट होगा, फिर फोर, फिर इधर आ गए तो फोर इज लेस देन ट्वेल्व. बिना यूज करे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ ये जो काउंट है ये मेरा कहाँ तक प्रिंट होगा? लाइक आई विल स्टार्ट विथ वन, वन टू थ्री, कहाँ तक प्रिंट होगा, कौन से नंबर तक? कौन से नंबर तक प्रिंट होगा? 11 तक. वेरी गुड, 11 तक प्रिंट होगा, ठीक है. तो इसको रन करके देखते हैं, चलो देख लो कैसे. 11 तक वन, द फर्स्ट टाइम लूप रन्स वन आया, सेकंड टाइम टू, फिर जब ये 11 आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 11 आ गया, इधर गया 11 प्लस वन, ये 12 हो गया काउंट का वैल्यू. अब इधर आएंगे वापस, 12 is less than 12. ये क्या हो गया? False. False. तो अभी लूप यहाँ पे टूट जाएगा, अब आगे और ये कंटिन्यू नहीं करेगा. क्लियर है? बताओ कोई भी दिक्कत व्हाइल लूप में? ठीक है.
नाउ नेक्स्ट वी लर्न इज फॉर लूप. ठीक है, व्हाइल लूप के लिए हम इतना करते हैं. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. आप लोग को खाली अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई. आपको टास्क क्या करना है. नाउ द फॉर लूप. सो फॉर लूप का डिफरेंस इज कि यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता होता है कि कितने बारी आपको वो लूप को रन करना है. ठीक है, तो सपोज मुझे पता है कि आई विल लिसन टू दिस सॉन्ग 3 times, तो 3 times का लूप में मैं उसको लगा दू. सो द नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू कैरी आउट द टास्क वो आपको पहले से पता है. द स्पेसिफाइड टास्क फॉर ईच वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड वेरिएबल्स. बेसिकली दिस मीन्स ये जो मैंने इंट्रोडक्शन या फिर मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है ये अभी क्लियर होगा आफ्टर द एग्जाम्पल. बट यहाँ पे यू नो द नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू एक्चुअली रन द लूप. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है इन iterations of loop. What is iterations? So you will see this word very often, iterations. It's basically how many number of times you are learning, you have to run the loop. So iterations is basically, suppose main bol rahi hu 10 iterations hua, matlab ki 10 bari humne is task ko kiya hai. Theek hai, so iteration is a number of times. So you give the number of times you want to run the loop, and then again you give the body of the loop, which is the task which you want to carry out. ठीक है, तो इसको करते हैं अभी. आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट, देन आई विल एलैबोरेट ऑन दिस. सो फॉर आई इन, क्यों ऐसे मैं लिख रही हूँ मैं भी बता रही हूँ. आई इन 1 to 5 प्रिंट, हेलो. तो अब क्या होगा समझो यहाँ पे. This which I have created, ये जो I जो मैंने यहाँ पे बनाया है, this is actually a temporary variable. So what's a temporary variable? It's a variable which I have taken within the loop. जैसे ही हमारा ये loop खत्म होगा वैसे ये variable का कोई भी significance नहीं बचेगा, right? तो अब यहाँ पे होगा क्या? For I in 1 to 5, मतलब कि आई का वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. ठीक है, प्रिंट हेलो. सो बेसिकली आई जब 1 है तब प्रिंट करो, आई जब 2 है तब प्रिंट करो, आई जब 3 है तब प्रिंट करो, एंड सो ऑन. सो बेसिकली आपका कितने बारी प्रिंट होगा? 5 times. इसको रन करते हैं एक बार. 5 times प्रिंट हुआ. अब समझना स्पेसिफाइड टास्क, ये हमारा टास्क है फॉर ईच वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड वेरिएबल. फॉर ईच वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल? आई. सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई, 1 2 3 4 5, आई एम परफॉर्मिंग दिस टास्क. एक अभी हम लोग और एग्जांपल लेंगे. फॉर लूप को हम थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं तो आपको और क्लियर होगा. बट ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं बताओ? अब देखना एक और चीज, अब नया हम लोग करते हैं ट्राई यूज करने का. सपोज मैं इसमें डालती हूँ, वैल्यूज 2 7 5. ओके, तो ये मैंने एक्स के वैल्यूज ले लिए. ठीक है, एक और वेरिएबल लेती हूँ एन, जिसको मैंने 0 डाला. अब समझना ये लूप में क्या लिख रही इसको. एक बार ध्यान से देखना. ठीक है,
पहले तो मैंने x का कुछ कुछ वैल्यूज डिफाइन करा है, मैंने n को जीरो लिया। अब फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम दे रहे हैं फॉर x, फॉर y इन x, यहाँ पे मैंने दिया था फॉर i इन, अच्छा इसको आप अपने i कर लेते हैं, चलो कंफ्यूजन हटाओ, इसको i करते हैं। फॉर i इन मैंने लिया था 1 से 5, यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर i इन x, x में क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं ये सारे। सो व्हेन i इज 2, व्हेन i इज 7, व्हेन i इज 5, व्हेन i इज 1, व्हेन i इज 9, फॉर ऑल ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ i हमारा लूप रन करेगा। क्लियर? ये हमारा पूरा बॉडी ऑफ द लूप है, ठीक है? बॉडी ऑफ द लूप के अंदर क्या लिख रहे हैं समझो, देन एक इफ स्टेटमेंट यूज करें। इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो उसमें हमें क्या करना है, n में n प्लस 1 कर दो, n अभी क्या है 0, तो उसमें प्लस 1 कर दो एंड प्रिंट n। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ i क्या है हमारा 2, है ना? फर्स्ट टाइम जब लूप रन करेगा तो पहले 2 लेगा, ध्यान से सुनना, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, 2 लेगा। सो इज 2 ग्रेटर देन 5? Is 2 greater than 5? Yes or no? No? तो यहाँ पे ये प्रोसीड करेगा क्या? नहीं। फिर 2 का वैल्यू ले रहे हैं 7. 2 का वैल्यू ले रहे हैं 7. क्या ये हमारा वर्क करेगा क्या? Yes. यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा n में? n में क्या ऐड हो जाएगा? 0 प्लस 1. 1 ऐड हो जाएगा. तो अभी ये n क्या हो जाएगा? 1. प्रिंट हो गया 1. एक बार ही रन करते हैं अब इसको, क्योंकि दो बार हमने करके देख लिया। नाउ अंडरस्टैंड द आउटपुट 1, 2, 3 क्यों आ रहे हैं। जब भी 2 हुआ, जब हम लोग i का वैल्यू 2 लिए, तब क्या हुआ, इसमें ये वाला प्रोसीड नहीं किया। फिर जब ये 7 हुआ तो यहाँ गए, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस, n में ऐड हो गया 1, सो यू गेट 1 प्रिंट हो गया। जब आप 5 लोगे यहाँ पे, व्हेन i का वैल्यू इज 5, अगेन यू विल रन दिस, कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप इसके अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करो, ध्यान दो, इफ स्टेटमेंट यूज करो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आपका ये वाला चीज एग्जीक्यूट होगा। अभी n का वैल्यू इज 1, 1 में अपने 1 ऐड करें, 2 प्रिंट 2, देन अगेन 1 का वैल्यू लेगा i अभी 1 है, सो अगेन इसको रन करेंगे। i इज i ग्रेटर देन 5, तो ये रन करेगा क्या? नहीं। फिर n i का वैल्यू 9, इज i ग्रेटर देन 5? यस, तो ये हमारा रन करेगा क्या? यस, एंड वी विल गेट n अभी 2 था, उसमें 1 ऐड करके उसको प्रिंट करेंगे। ये पूरा चीज जो हम लिख रहे हैं, दिस इज विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, उसके अंदर हम लोग एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। क्लियर है? बताओ, इसको थोड़ा अगर मैं ट्विस्ट करके लिखती हूँ, चलो थोड़ा ही ट्विस्ट कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, कंफ्यूज मत होना एकदम भी। चलो ये प्रिंट हटा देती हूँ। एंड प्रिंट हटा के इधर पे प्रिंट एन लिख देती हूँ। अब समझो डिफरेंस। एक्स को रन करते हैं एक बार फिर से, एन का वैल्यू 0 है। अब समझना क्या होगा, अब ये हमारा पूरा फॉर लूप है, अगेन द सेम थिंग फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई विच इज दिस, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब समझो क्या होगा, इधर व्हेन आई इज ग्रेटर देन 5, तो एन में हम प्लस 1 कर देंगे, ठीक है? तो जब आई 2 है, जब आई 2 है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज 2 ग्रेटर देन 5? नो, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगेन
7 ये ट्रू है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, मतलब अभी आपका n का वैल्यू इज 1। ऐसे करते रहेंगे, लास्ट में जब ये सारा वैल्यूज के लिए हमारा लूप रन हो जाएगा तो एंड में हमारा n का वैल्यू क्या क्या रहेगा, 3, क्योंकि 3 वैल्यूज के लिए, 3 वैल्यूज के दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइंग एंड फॉर 3 टाइम्स दिस थिंग इज रनिंग, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 3। एंड व्हेन वी प्रिंट n तो हमारा 3 आना चाहिए। करके देखते हैं, सो दिस इज बेसिकली यू आर काउंटिंग how many times this, how many numbers in this entire vector is greater than 5, greater than equal to 5. Is it clear? Ek bar 2 minute ke liye just go through the entire thing what we have done, and then abhi hamara for loop khatam nahi hua hai, 2-3 cheez mein aur karenge tab aapko ekdam se clear ho jayega sab. एक बार सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो इफ दिस इज क्लियर। वन सेकंड, वन सेकंड, इज इट सिमिलर टू दैट ऑफ पाइथन? समवॉट यस, मैंने बोला ना लूपिंग सारे कोडिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा सेम होता है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, सम थिंग्स आर डिफरेंट, लाइक यहाँ पे आप एक लाइन में लिख सकते हो, थोड़ा अलग सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। देवांश इज आस्किंग इफ वी राइट आई इन द बॉडी देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच आर, यस यस, इफ यू राइट प्रिंट आई यहाँ पे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ आई व्हिच आर ग्रेटर देन, लेट्स डू इट, ये वाला चीज अगर आप यहाँ पे प्रिंट आई लिखते हो ना, चलो इसको रन करते हैं, एन को फिर से रन करना मत भूलना, अदरवाइज इट विल नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 0। सो यहाँ पे अगर आप प्रिंट आई लिख दोगे सो इट विल प्रिंट 5, 7 और 9, क्लियर है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन यू प्रिंट आई, यू कैन डू दैट, दैट इज फाइन। वन सेकेंड, होल्ड ऑन, यस बोलो, कुछ बोल रहा था। कोई कुछ बोल रहा था प्लीज, या फिर डाउट क्लियर है? एन प्लस, थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, एन प्लस आई करते हैं। अब देखना अब क्या कर रहे हैं, बार बार ही एन को रन करना मत भूलना, अदरवाइज एन का वैल्यू वो पहले वाले लूप का लेगा, एन 0। अब देखो होगा क्या, फॉर आई इन एक्स यानी कि ये सारा वैल्यूज लेगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो एन अभी 0 है, 0 में हम वो वाला वैल्यू ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 7, फिर 5, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 छोटा है 5 से, एंड देन 9। सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 + 7 + 5 + 9। ठीक है, इसको रन करें, 21, 5 + 7 + 9, ठीक है, 12 + 9, 21। पूछो किसी को, कोई भी डाउट आ रहे हैं यहाँ पे? नाउ किसी को कोई डाउट नहीं है, आई गेस? यस मेघा, कैन यू प्लीज सी द चैट बॉक्स वंस? वन सेकंड, माय रिजल्ट इज कमिंग लाइक दिस, लेट मी चेक।
So for I in x, if i is greater than 5, n plus 1 print n. हाँ, तो आपका मे बी एक्स का वैल्यूज आपने कुछ अलग लिया है, या फिर आपका एन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, मे बी द केस. रुक जाओ, मैं इसको हटाती हूँ. मैम वो वापस रन नहीं किया होगा इसलिए। वापस वापस एन और एक्स रन करो. भाई मैं बार बार बोल रही हूँ, एन को बार बार रन करो, जीरो के जैसा रन करो उसको. एंड तुमने क्या किया है पता है? तुमने क्या किया समझो? क्यों नहीं आ रहे तुम्हारा? नहीं, इसका वो गलती नहीं है, इसका यही आएगा आंसर. इसने क्या करा है, इसने यहाँ पे कोलन दिया है, मैंने अंदर में कोलन दिया है. इसने क्या किया है, दिस इज वन इफ स्टेटमेंट. समझो ध्यान से डिफरेंस, इसका सही आ रहा है आउटपुट. दिस इज वन एंटायर इफ स्टेटमेंट एंड दिस इज अनदर स्टेटमेंट. तो मतलब आप जब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड एक्स, आपका ये भी रन होगा अलग से और ये भी रन होगा अलग से. मैंने इसको पूरे को इफ स्टेटमेंट में दिया है, इसने इसको ये, दिस इज वन सिंगल स्टेटमेंट, दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ द लूप. तो अगर एन हम जीरो लेते हैं तो देखो इसमें होगा क्या, ये सारा वैल्यूज ही आएगा, क्योंकि और आई इन एक्स मतलब कि वॉट एवर द वैल्यू इज टू, ये वाला चीज एग्जीक्यूट होगा एंड देन प्रिंट एन. प्रिंट एन करिए ये अलग से, तो पहले प्रिंट होगा जीरो, क्योंकि अभी जीरो है ना, एन का वैल्यू अभी जीरो है, ये चीज रन नहीं हुआ. समझो ध्यान से अगेन, नो यू कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल. देन आई इज टू, ये वाला स्टेटमेंट में क्या होगा, इज टू ग्रेटर देन 5? नो, तो ये वाला चीज नहीं रन हुआ, पर ये तो रन हो गई क्योंकि ये लूप का पार्ट है और इस स्टेटमेंट के बाहर है, तो ये जीरो आया क्योंकि अभी एन आपका जीरो है. फिर 7 लोगे, इज 7 ग्रेटर देन 5? यस, तो इसमें ऐड हो गया एन में 1. अब आपका एन क्या हो गया, 1. ये भी प्रिंट होगा अलग से 1, क्योंकि ये इसने पूरा अलग से लिख दिया है. इट्स अ पार्ट ऑफ द लूप, नॉट द पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट. मैंने इसको एज अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट लिया था, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन व्हेन यू टेक 5, तो आपका 5 में, अब देखो यहाँ पे दो बार 2 क्यों प्रिंट हो रहा है. जब आप इसको 5 लोगे, सो इज दिस ट्रू? यस, तो आपका 1 में n में एक और 1 ऐड हो जाएगा, प्रिंट आ जाएगा 2 आ गया. अभी n का वैल्यू 2 है. सो फॉर आई इक्वल टू 1, फॉर आई, या अच्छे से बैठो, फॉर आई इक्वल टू 1, अभी 1 क्या 5 से ग्रेटर है? अभी क्या 1 5 से ग्रेटर है? नहीं. सो एन का वैल्यू में ऐड नहीं होगा, यू विल अगेन गेट अ 2, ठीक है? चलो मूविंग ऑन. नाउ देर आर टू टर्म्स विच यू कैन ऐड, वन इज योर नेक्स्ट. ये आप लोग क्यों ऐड करते हो, और एक होता है ब्रेक, व्हेन यू वांट टू जस्ट मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी इसको, सो लेट मी फर्स्ट राइट द एग्जांपल ओवर हियर. अभी अपन लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं 1 से लेके 20, एंड देन फॉर आई इन एक्स, इफ आई इज लेस देन 10, तो हमें कर देना है नेक्स्ट. समझो ये जो मेघा ने किया ना, उसी पे बिल्ड कर रहे हैं. देखना, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स 1 से लेके 20, सो पहले हमारा आई का वैल्यू क्या लेगा, 1, ठीक है? तो जब आपका 1 10 से छोटा है, तो आप नेक्स्ट में चले जाओ. नेक्स्ट इज अ की वर्ड, देखो ब्लू में है, हाईलाइट हो रहा है, इट्स अ की वर्ड विच यू आर यूजिंग यहाँ पे. तो आप नेक्स्ट में चले जाओ, यानी कि अब आप इसको मत रन करो, इसको मत रन करो, आप नेक्स्ट आई में चले जाओ. सो 2 इज टू ग्रेट, इज टू लेस देन 10? यस. अगेन नेक्स्ट में चले जाओ, यहाँ पे मत जाओ, आगे कंटिन्यू ही मत करो. एक बार इसको रन करके मेरे को दिखाने दो. सी, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट. 10 से लेके 20 तक आया, क्यों? क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा था, ये पूरा एक इफ स्टेटमेंट है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा था, तो वो नेक्स्ट हो जाता है. नेक्स्ट का मतलब है मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन.
तो यहाँ पे मुझे एक डेफिनेशन लिखने दो, व्हेन वी वांट टू स्किप अ फ्यू वैल्यूज टू रिटर्न When you want to skip a few values to perform a task, मेरे को ये task perform करना है कि मेरे को 10 से लेके 20 तक सारे values को print करने हैं। तो मैंने ले लिया 1 से लेके 20 तक सारा values इधर, and मैंने बोला कि for I in X, all the values of these, if it is less than 10, तो ये next में चले जाओ, मतलब skip कर दो ये वाला value, और ये वाला चीज print ही नहीं होगा। So जब आपका I is 1, तो ये ट्रू है, नेक्स्ट वैल्यू में चला गया विच इज 2, ठीक है, यहाँ आ गया 2, 2 भी कम है नेक्स्ट, तो ये आपका आया ही नहीं, जब तक यहाँ पे आपका 10 नहीं आया, नाउ दिस इज फॉल्स, तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 10, बताओ इज इट क्लियर? सेकंड ब्रैकेट के इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग नहीं है ये, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप, कि इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग मत बोलो यहाँ पे, अभी इंडेक्सिंग क्यों वर्ड यूज कर रहे हो इधर मनीष? ये हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो हम दे रहे हैं अपने फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में यू आर गिविंग द बॉडी ऑफ द लूप। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, कंडीशन देते थे और फिर देते थे द स्टेटमेंट विच यू हैव टू परफॉर्म इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो द सेकेंड ब्रैकेट इज नॉट इंडेक्सिंग और समथिंग, दिस इज वन सी, आप लूप लिख रहे हो, ये पूरा सेकंड ब्रैकेट दे रहे हो फॉर दिस लूप। मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखा दूं क्या, अब समझो अब समझ में आ रहा होगा ठीक से। दिस इज द लूप का फर्स्ट ब्रैकेट विच इज द कंडीशन इटरेशन बेसिकली, देन विद इन द सेकंड ब्रैकेट, ये पूरा आपका सेकंड ब्रैकेट है, ये विद इन द सेकेंड ब्रैकेट आप कुछ टास्क दे रहे हो, उसमें सबसे पहले आप दे रहे हो इफ स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट इज द कंडीशन एंड सेकेंड ब्रैकेट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन यू आर गिविंग द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड टास्क विच यू हैव टू परफॉर्म। ये पूरा एक बॉडी ऑफ द लूप है जिसके अंदर आप दो चीज परफॉर्म कर रहे हो, एक इफ स्टेटमेंट और एक प्रिंट। अरे नहीं, हाउ कैन यू चेंज द वे ऑफ राइटिंग, आप बोल रहे हो फर्स्ट ब्रैकेट यूज करोगे, आप बोल रहे हो थर्ड ब्रैकेट यूज करोगे, हाउ कैन यू चेंज, आर ने आर जो बनाया है, जिसने बनाया है उसने कुछ तरीके से बनाया है, हाउ कैन यू यूज योर ओन, आप फिर खुद से डेवलप करो कोई फंक्शन जिसमें आप अपने टाइप का ब्रैकेट यूज कर पाओगे। डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस, मैंने लास्ट क्लास ही बोला था यू कैन नॉट चेंज अ फंक्शन, यू कैन नॉट चेंज द वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। नहीं, आप इधर पे कैसे लिख सकते हो, इन फर्स्ट ब्रैकेट व्हाई विल यू राइट नेक्स्ट, इन फर्स्ट ब्रैकेट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट गिविंग द नंबर ऑफ इटरेशंस, यू आर जस्ट फॉर इन केस ऑफ व्हाइल आप दे रहे हो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, इन केस ऑफ फॉर लूप यू आर जस्ट गिविंग द नंबर ऑफ इटरेशंस, दीज आर द नंबर ऑफ इटरेशंस की फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई 20 इटरेशंस है, 20 टाइम्स आपका लूप रन करेगा, हाउ कैन यू राइट नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट इज समथिंग, इट्स अ कीवर्ड। Not saying that, ma'am. I'm saying that where you've written next, we'll write next there only. But the bracket which you have used, we'll use. Why will you change? Why will you change this? अरे, आपका if condition मैंने कैसे लिखवाया था? Condition one and then the statement in the second bracket. Keep it same. Now, why will you write it in the first bracket? Tell me. What? क्या sense बना? अगर आप इसको first bracket में लिखोगे, what is the sense of this? मुझे नहीं समझ में आया मनीष आपका क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट दिस, ये एक पूरा स्टेटमेंट है, ये एक पूरा स्टेटमेंट है जो मैंने लिखा है विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसमें मैंने सेकंड ब्रैकेट क्यों यूज करा है, अरे भाई ये पूरा क्योंकि इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट लिखते ही ऐसे है जहाँ पे हम पहले कंडीशन देते हैं एंड देन वैल्यू इफ ट्रू देते हैं। व्हाई आर यू मेकिंग दिस इनटू सो कॉम्प्लिकेटेड, आपको मैंने कराया ही है ये, फर्स्ट पूरा ब्रैकेट इज फॉर द
ये पूरा आपका लूप का फर्स्ट ब्रैकेट एंड द सेकेंड ब्रैकेट में यू आर गिविंग द एंटायर लूप का बॉडी, उसमें आप लूप के बॉडी में तो आप कितना भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो ना, 1, 2, 3, 10, 15, 20 कितने भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो. मैंने 2 टास्क परफॉर्म करा है, इधर एक इफ स्टेटमेंट का और एक प्रिंट का, सिंपल, एकदम सिंपल, स्मूथ लाइक अ बटर. यहाँ पे जो आपने ब्रैकेट डाला है वो इफ का ब्रैकेट है भाई, तब क्यों फर्स्ट ब्रैकेट यूज करोगे? प्लस साइन आ जाता है कि जब आप ये ब्रैकेट लिखना भूल जाते हो, तो आप इस पूरे को जब रन करोगे सो इट गेट्स अ प्लस साइन, मतलब कि आपका फंक्शन इज नॉट कंप्लीट. तो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट देखो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना के फिर रन करा, देन इट रन्स. जब आपका फंक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है तब आपका वो प्लस साइन आता है, ठीक है? ओके, सो मूविंग, ये आपको नेक्स्ट क्लियर है. अभी एक होता है ब्रेक, when you have to break a loop in some point, यहाँ पे क्या हो रहा है, next सीधा आप next value में चले जा रहे हो. तो अगर आपका ये condition true है तो आप next value में चले जाओगे, which is ये वाला चीज operate नहीं करेगा, ये वाला चीज statement run नहीं होगा. when you want to break the loop in between, तो उसमें क्या होगा देखना, उसके लिए again I will take x का values. Let me take it from 1 to 20 again. For I in x, if, चलो इसको तुम लोग के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ. If I is greater than equal to 10, अब समझना डिफरेंस, ब्रेक. देखो, for all the values of x from 0 to 1 to 20, मतलब कि हर एक value of x from 1 to 20, if I is greater than 10, तब आपका loop क्या होगा, break. Break loop होने का क्या मतलब है, देखो, task performed till loop x broken. So only for the few variables आपका टास्क परफॉर्म होता है, एंड जब आपका वो कहीं पे ब्रेक हो जाता है लूप, उसके बाद फॉर अदर वेरिएबल्स आपका टास्क परफॉर्म नहीं होता है. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई इन एक्स 1, 2, 3, 20 तक, तो जब तक आपका ये वैल्यू 10 से बड़ा है, जैसे ही वैसे आपका लूप ब्रेक हो गया. तो इनिशियली 1, 2, 3, 4, 9 तक आपका वैल्यूज क्या रहेगा, 10 से छोटा, तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, फॉल्स. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या ये रन होगा, रन नहीं होगा, तो आपका प्रिंट हो जाएगा. तो आपका 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, आप आ गए 10 में. जैसे ही आपका यहाँ पे लूप में 10 आया, इज 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस, आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक. एंड वंस यू ब्रेक द लूप, आगे का वैल्यूज चेक ही नहीं होगा, इवन इफ आगे का वैल्यूज 10 से छोटा है, आपका वो चेक ही नहीं होगा. वंस यू ब्रेक द लूप, इट विल नॉट कंटिन्यू फॉर द अदर वैल्यूज, ठीक है? तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, 10 से लेके 9 तक. क्लियर है? द मोमेंट यू ब्रेक द लूप, उसके आगे का वैल्यूज के लिए ये रन करेगा ही नहीं. सो अगर यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यूज ऐसे ले लू, फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग देख लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे ब्रेक हो गया, वापस से 1, 2, 3 लिख देती हूँ, रन करके अब देखो, स्टिल यू आर गेटिंग द सेम आंसर. क्यों? 1 से लेके 9 तक इट वर्क्ड, जैसे ही 10 हुआ लूप ब्रेक हो गया, एंड द मोमेंट यू ब्रेक द लूप, आगे का वैल्यूज के लिए वो चेक ही नहीं करेगा, वो चेक ही नहीं करेगा कि आगे का वैल्यूज क्या था. नेक्स्ट में क्या होता है, इट विल जस्ट स्किप सम ऑफ द वैल्यूज एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू, बट ये हर एक के लिए रन करेगा, हर एक वैल्यू के लिए रन करेगा, इट विल रन फॉर 20 टाइम्स, बट यहाँ पे दैट इज नॉट द केस, इट विल नॉट रन फॉर, द मोमेंट यू ब्रेक द लूप इट विल नॉट रन अगेन. बताओ जल्दी से, इज इट क्लियर और नॉट? आई विल शेयर माई स्क्रिप्ट विथ यू ऑल. मैम इफ आई राइट मेघा, यस लेट मी चेक मेघा, यस सार्थक.
इसके अंदर हम प्रिंट आई जो है वो लूप के बाहर लिखेंगे, तो उसके अंदर जो रिजल्ट है वो 10 आएगा आई का, अगर इसको लूप के बाहर लिखोगे yes. कुछ भी नहीं आएगा, करके देखो खुद से, क्योंकि आई तो एक टेम्पररी वेरिएबल है, मैंने जो बोला जो खाली लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है, लूप के बाहर तो आई का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आई कहीं आपने लूप के बाहर लिखा है? नहीं, लूप का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, लूप आई का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है लूप के बाहर। करके देखो ट्राई खुद से और फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। ओके 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू लिया है आई ने, ठीक है आई आ जाएगा। ओके गुड, ठीक है, बट जनरली हम हाँ ठीक है कर सकते आ सकता है। इसमें क्या आया, किसने भेजा है मुझे, मुस्कान ने भेजा थे, इसमें क्या चाहिए, मतलब ये नेवर एंडिंग लूप बन रहा है, इधर क्या चाहिए, ये वाइल लूप क्यों लगा दिए, इधर वाइल इट इज लेस देन 10 प्रिंट करो, हाँ तो इन सबके लिए 10 है, बट ये क्या होगा, ये सबके लिए रन होते जाएगा ना, मतलब कि while x is less than 10, समझो मिस्कान, do not mix the things, किसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, while लूप लगा रहे हो, while क्या हो रहा है, हाँ उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, x is less than 10 का क्या मीनिंग है, ये सारा को आप कंपेयर कर रहे हो whether it is less than 10, तो आपका तो ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, सब में ट्रू आ गया, खाली इन दोनों में फॉल्स आया है, बट यहाँ पे और कंडीशन होगा, तो कोई भी एक ट्रू आया तो आपका प्रिंट हो जाएगा, पूरा एक्स प्रिंट होगा, तो देखो पूरा एक्स प्रिंट हो रहा है, पूरा एक्स प्रिंट हो रहा है, पूरा पूरा एक्स प्रिंट हो रहा है, एक एक बार में ये सब मत करो, ठीक है, मतलब कि वाइल एक्स इज लेस देन दिस, एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका बॉडी रन करेगा विच इज प्रिंट एक्स, और वॉट इज एक्स, ये पूरा चीज एक्स है, तो बार बार ये प्रिंट होते जाएगा, क्लियर मुस्कान, नेक्स्ट द लास्ट लूप विच वील डू फॉर टूडे इज द रिपीट लूप। अब रिपीट क्या होता है, समझ में आ रहा है नाम से, इट्स अगेन यू आर रिपीटिंग द सेम टास्क टू आइटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे स्ट्रेट अवे एंड उसके थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू कि इसको हम कैसे use it. Again, this is one of the loops which you will hardly use anywhere. The most important loop is your for loop. Okay, so the most important loop is the for loop jo maine pura karaya hai. That's the most important. Second, while loop aate repeat. It's hardly that you will use the repeat loop. Iska maine ek bahut chota sa example le rakha hai which I'll explain you all. Repeat. And then if you see यहाँ पे खाली statement लिखना है आपको, कुछ भी logical expression या iterations नहीं देने, you just give the statement. तो आपका statement हम दे देते हैं यहाँ पे print x रिपीट में क्या होता है ना, इट विल रिपीट द एंटायर टास्क मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। तो यानी कि ये जो चीज है, कोई कंडीशन नहीं, कोई नंबर ऑफ टाइम्स आप बता नहीं रहे हो कि कितना इटरेशंस आपको रन करना है, यू आर स्ट्रेट अवे गिविंग द स्टेटमेंट विच यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, तो अभी आपका आई का वैल्यू ले रहे हैं हम 1, सो प्रिंट हो जाएगा पहले 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, एक्स का वैल्यू 2 हो गया। If x is equal to 10, क्या ये 10 है? नहीं, तो ब्रेक नहीं होगा। अगेन यू कम बैक ओवर हियर, प्रिंट x, अभी x का वैल्यू इज 2, फिर उसमें 1 ऐड करोगे, सो ये आपका जाते जाएगा कहां तक, 9 तक। क्यों? क्यों? जैसे यहाँ पे 10 हुआ, जैसे यहाँ पे प्रिंट 9 आया, 9 प्लस 1 10, x का वैल्यू अभी क्या है 10, द मोमेंट इट इज इक्वल टू 10 द लूप विल ब्रेक। क्लियर है? बोलो। सो रिपीट क्या होता है,
कि आपको अपना एक स्टेटमेंट, आपको एक ब्लॉक ऑफ कमांड, ये आपका एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है पूरा विद इन द रिपीट, जो आपको करना है परफॉर्म कंटिन्यूसली अंटिल एंड अनलेस यू स्पेसिफाइड टू स्टॉप. To iterate over a block of code, what is the code? This is the code over a number of times. You will specify it how? This way. You cannot give a condition yahan pe. You cannot give the number of times. So, agar aapko condition dena hai, to while loop use karte hain. Agar aapko number of times dena hai, to for loop use karte hain. Batao, is it clear? Are all the loops clear to you all? While loop kab use karte hain? जब आपको पता नहीं होता है कि कितने बारी आपको रन करना है अपना कोड, यू जस्ट हैव द कंडीशन कि कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये पूरा चीज परफॉर्म करो. नेक्स्ट, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? जब आपको पता होता है पहले से कि कितने बारी आपको उसको रन करना है, देन यू यूज अ फॉर लूप. तो आप देते हो नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू रन इट. आप यहाँ पे जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? हमारा टेम्पररी वेरिएबल की फॉर आई का वैल्यू जब 2 होगा तब रन करो, फिर जब 7 होगा तब रन करो, एंड सो ऑन. एंड देन लास्टली रिपीट लूप. मोस्टली हमेशा हम फॉर लूप यूज करेंगे. नेक्स्ट और ब्रेक जो कीवर्ड्स है वो बहुत रेयरली यूज करेंगे, बट मोस्टली द फॉर लूप जो ये मैंने लिखाया है, एवरी टाइम लाइक यू विल सी, जब भी लूप यूज करें, वी आर ऑलवेज यूजिंग द फॉर लूप ओनली. So is it clear everyone? Is it clear everyone? किसी को कुछ बोलना है? मैम. मैम रिपीट का यूज कैसे होगा? So जब हमें पता नहीं है कि हमें कितनी बारी उसको रन करना है, या फिर हमारे पास कोई कंडीशन एज सच नहीं है, तो आप रिपीट अगेन, यहाँ पे आप इसको while लूप में भी यूज कर सकते थे. While x is greater than equal to 10, while it is equal to 10, you have to print x. वो भी आप वाइल के अंदर कर सकते थे. इसीलिए मैंने बोला कि रिपीट का एज सच कभी यूज नहीं आता है. हमेशा फॉर लूप 95% ऑफ द टाइम्स आप फॉर लूप करोगे, मे बी हार्डली समवेयर वाइल लूप यूज करेंगे, बट आई थिंक मैंने भी हमेशा फॉर लूप ही यूज करा है, हार्डली कभी मैंने भी वाइल लूप एंड रिपीट तो कभी इनफैक्ट, बिकॉज जो रिपीट में आप कर सकते हो आप फॉर एंड वाइल में किसी ना किसी तरीके से उसको कर ही सकते हो. So once this is clear, मैं एक छोटा सा टास्क आप लोग को देना चाहती हूँ. I wanted you all to do it in the class, but अभी we don't have so much time to do it. I will explain क्या करना है. It's a really, it's not a simple task. खुद से घर पे दिमाग लाके करो. Maybe I can keep a 15-20 minutes class कभी discuss करने, ज़्यादा नहीं 15 minutes लगेगा, and I will discuss the task. So it's an example. It's a law of large numbers. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट 5 मिनट्स मुझे दो, मैं पूरा समझा देती हूँ. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में होता है कि जितना ज्यादा आप नंबर्स लोगे, सो इट्स लाइक सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है, थोड़ा स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है ये. जितना ज्यादा नंबर्स आप लोगे, उसका जो मीन आप निकालोगे विल बी क्लोज टू द एक्चुअल मीन. एंड वॉट इज दिस एक्चुअल एंड सैम्पल? तो सपोज हम बात करते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है? This is how a normal distribution looks like. Here, एक normal distribution का mean हम लेते हैं 0. So this is a standard normal, not normal, standard normal distribution. What is standard normal? It's a normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. ठीक है? तो mean इसका 0 है and standard deviation 1 है. अब हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा actual होना चाहिए. अगर मैं बोलूँ there are 100 values which I have taken from a स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडमली आई हैव टेकन 100 वैल्यूज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आई एम कैलकुलेटिंग अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वो जो मीन मैं निकाल रही हूँ 100 रैंडम वैल्यूज का, विल नॉट बी एग्जैक्टली 0, इट विल बी समवॉट क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, क्योंकि इट्स अ सैम्पल. रैंडमली नंबर्स निकाल रही हूँ, कुछ भी नंबर आएगा तो जरूरी नहीं कि वो 0 के इक्वल रहे. अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 आना चाहिए, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो जितना ज्यादा नंबर्स n हम यूज करेंगे, यानी कि पहले 100 लिया, फिर 1000 लिया, फिर 10,000 लिया, फिर 1,00,000 लिया, जितना ज्यादा रैंडम नंबर्स हम लेंगे, उतना ज्यादा उसका जो सैंपल मीन है उस पूरे नंबर्स का, रैंडम नंबर्स का, विल बी क्लोज टू 0 एंड 1, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. यस और नो?
क्लियर हो जाए लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स. कभी भी आप जाते हो अपना इंटरव्यूज देने, आपको अगर अगर देख के लगता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स आता है तो आपसे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पक्का पूछा जाएगा. ठीक है. सो इन दिस केस यू हैव टू क्रिएट अ आर स्क्रिप्ट दैट विल काउंट हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स फॉल बिटवीन -1 and 1. सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक रैंडमली कुछ नंबर्स निकालने हैं फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हमने आर यूनिफ करा, इसमें यू विल हैव टू यूज आर नॉर्म. आर नॉर्म से आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सर्च करना हेल्प टैब में. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपके सारे रैंडम नंबर्स आ जाएंगे. आपको निकालना है -1 और 1 के बीच का वो रैंडम नंबर्स जो आप निकाल रहे हो. सपोज 100 रैंडम नंबर्स आप निकाल रहे हो, उस 100 रैंडम नंबर्स में से कितने नंबर्स -1 और 1 के बीच में वो निकालना है. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट ऑल द रैंडम नंबर्स, 100 रैंडम नंबर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल, 100,000 कुछ भी. सेकेंड स्टेप याद रखना, ठीक है, ये काम आएगा. सेकेंड स्टेप आपको निकालना है कि कितने नंबर्स उन 100 में से -1 और 1 के बीच में. नाउ इफ यू सी द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, 68.2% ऑफ द नंबर्स शुड लाई बिटवीन -1 and 1. मतलब कि अगर हम 100 वैल्यूज निकाल रहे हैं सैंपल में से, 100 रैंडम वैल्यूज निकाल रहे हैं, उसमें से 68.2 वैल्यूज शुड लाई बिटवीन -1 and 1. अब 0.2 तो ठीक है एवरेज हो गया, बट 68 to 69 के अराउंड वैल्यूज शुड लाई बिटवीन -1 and 1. बट हम क्योंकि सैंपल ले रहे हैं सो हर बार ही जरूरी नहीं कि 68 आएगा, कभी 70 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं, सो इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 68. तो अब हम लोग आर को इंक्रीज कर हम लोग नंबर्स को इंक्रीज करके देखेंगे. यानी कि हम लोग पहले लेंगे 100 वैल्यूज, फिर 1000 वैल्यूज, 10,000, 1 lakh, ऐसे इतने सारे वैल्यूज के लिए हम लोग चेक करके देखेंगे कि जैसे जैसे हम वैल्यूज इंक्रीज करें, अपना नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स इंक्रीज करें, वैसे वैसे द नंबर ऑफ वैल्यूज लाइंग बिटवीन -1 and 1 परसेंटेज ये वाला क्लोज टू 68.2 जा रहा है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मीन ऑल्सो, तो मीन भी आपका क्लोज टू 0 आना चाहिए. क्लियर है स्टेप्स? पहले तो रैंडम नंबर्स निकालो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से, फिर देखो कि -1 और 1 के बीच में कितना वैल्यूज लाइक कर रहे हैं, डिवाइड करो विथ 1000, 100 जितना भी आपने निकाले, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कितना परसेंटेज ऑफ द वैल्यूज -1 और 1 के बीच में लाइक कर रहे हैं, एंड दैट शुड बी नियर टू 68.2. टेक द इनपुट एज एन, टेक द इनपुट एज एन मतलब कि मुझे जस्ट एन इंक्रीज करना है, जैसे 10,000, 1 lakh खाली इंक्रीज करना है, एंड आई कैन सी दैट माई actual, my sample is tending towards the actual. I will not take any doubts regarding this. ये आप लोगों को खुद से अपना time लेके एक दो दिन करके करना है. अगर हुआ तो good, अगर नहीं हुआ so we can discuss, we can keep one more class and we can discuss this. ठीक है. So I will upload everything. We complete our basics class today. I will upload everything in the Yes, Akshat. आवाज नहीं आ रही.